अमेरिका के पास ऐसे चार प्लेन्स हैं जिसमें से एक प्लेन का इंजन 24/7 चालू ही रहता है, क्योंकि जिस दिन यूएसए पे न्यूक्लियर अटैक होगा तब पायलट तुरंत अमेरिका के प्रेसिडेंट और बाकी वीआईपी लोगों को लेकर उड़ सके। यूएस एयरफोर्स के इस प्लेन पे थर्मल और न्यूक्लियर प्रोटेक्शन शील्ड्स लगाए हैं ताकि ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को झेल सके, और ये प्लेन लगातार एक हफ्ते तक हवा में उड़ सकता है। एरियल रिफ्यूलिंग की हेल्प से ये प्लेन हवा में उड़ता हुआ कम्युनिकेशन और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, ताकि न्यूक्लियर वॉर के टाइम नेशनल कमांड अथॉरिटी यूएस मिलिट्री फोर्सेस से कॉन्टेक्ट में रह के उन्हें कंट्रोल कर पाए। हाईली एक्सपीरियंस पायलट ही इस प्लेन को उड़ा सकता है। बोइंग E-4B नाइट वॉच और डूम्सडे ये इस प्लेन का नाम है, और रशिया के पास भी ऐसे चार डूम्सडे प्लेन्स हैं। नाउ सब्सक्राइब टू माय चैनल।